नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, सऊदी अरबिया में क्या आप जानना चाहते हैं कि भाई 2019 में कितने वर्क परमिट वीजा जारी किए थे वो सऊदी गवर्नमेंट ने, और 2020 में उनकी क्या स्थिति थी, मतलब 2019 में 3 मई यानी मार्च अप्रैल मई में कितने लाखों वीजा निकले थे। अप्रैल में जो 2020 में बात करें, 3 मई में, मार्च अप्रैल जो मई में, तो क्या स्थिति थी, डिटेल से बात करेंगे। अभी क्या स्थिति है वर्करों की, वीजा से रिलेटेड हम पूरी डिटेल से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको भाई ये तो पता ही होगा कि कोरोना, अब हालांकि कंपेयर करना मुझे नहीं लगता इतना ठीक है, लेकिन मेरे पास ये जानकारी अवेलेबल थी तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। 2019 की तुलना 2020 से नहीं कर सकते, आपको सबको पता ही है, क्योंकि मार्च से ही सिस्टम स्टार्ट हो गया था कोरोना का, और अभी 2021 जनवरी चल रही है, फिर भी वही स्थिति है, और ये मार्च पकड़ लेगी आराम से, अप्रैल तक उम्मीद है कि ठीक ठाक हो जाए, तो पूरा एक साल बाद दोबारा से रिस्टोर होगा पूरा डेटा एक तरह से बोला जाए तो। जी हाँ, अगर बात करें कि वीजा, वीजा तो निकले नहीं निकले, जॉब थे उनके जॉब भी चले गए, कितने लोग निकल गए लाखों की संख्या में, लगभग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा वर्कर थे, 13 मिलियन के करीब बता रहे हैं कि आंकड़े के अनुसार थे, जो घट के 3 मिलियन रह गए, यानी इतना इतना डेटा कम बता रहा है आंकड़ों के अनुसार कि इतने लोग कम हो गए। तो अभी हम बात करेंगे भाई 2019 में और 2020 में वर्क परमिट वीजा सऊदी गवर्नमेंट ने कितने निकाले, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी रहेगा। बता दूं साथियों, 2019 और 2020 में 57% एवरेज मान सकते हैं, 60% वीजा कम हो गए। जी हाँ, सीधा सीधा 60% रिजल्ट डाउन आया 2020 में। 2020 की तुलना में अगर बात करें 2019 में, जी हाँ, जनवरी से लेकर सितंबर तक की, तो 1 मिलियन से ज्यादा वर्क परमिट वीजा एक्टिव थे जो 2020 में घटकर 4,46,000 के करीब बच गए। जी हाँ, वार्षिक आधार पर अगर देखें तो इन वीजा के हिसाब से 32% वीजा की कटौती हो गई, यानी कम हो गए वीजा। निजी क्षेत्र में भी अगर बात करें तो 21% वीजा कम जारी किए गए 2020 में। तिमाही में देखें यानी नवंबर अक्टूबर दिसंबर इनकी बात करें तो इनमें तो भाई वीजा की क्या स्थिति थी, आपको सबको पता ही है, 82% वीजा घट गए, यानी 18% बचे, 82% वीजा कम हो गए, मात्र 72,000 वीजा बचे। जी हाँ साथियों, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसी आंकड़े को 2019 में देखें इसी टाइम तिमाही में, संख्या थी 6,60,000 और काम 72,000, इतना डिफरेंस आ गया 2019 में 2020 में। अगर बात करें 2019 की दूसरी तिमाही में बात करें वीजा की, 5,52,000 प्लस वर्क परमिट वीजा थे, जो अगर 2020 में तिमाही में वर्क वीजा की बात करें तो मात्र कितने बचे, 50,000 वीजा बचे। जी हाँ साथियों, यानी इतना बड़ा डिफरेंस, यानी पूरा का पूरा ही आ गया भाई, 10% में सिमट गया 2020 की। निजी क्षेत्र में अगर बात करें 2019 में दूसरी तिमाही में, जी हाँ दूसरी तिमाही में, यानी तीन तीन महीने की एक तिमाही होती है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो, दूसरी तिमाही में बात करें 2019 में 3 लाख से प्लस वीजा वर्क परमिट वीजा जारी हुए थे। जी हाँ, अगर 2020 में बात करें दूसरी तिमाही में तो मात्र 32,000 वीजा निकले थे, आप देख लीजिए ये स्थिति थी वर्क परमिट वीजा की। सऊदी अरब में लाखों मजदूरों ने सऊदी छोड़ा है, आप सबको पता है भाई, सऊदी में मेरे हिसाब से दुबई से भी ज्यादा वर्कर छोड़ चुके हैं, क्योंकि सऊदी का एक बहुत लंबा पीरियड हो गया फ्लाइटों को बंद रखने का, इस वजह से मेरे हिसाब से 80% वीजा कैंसिल हो गए सबके, वो रिन्यू नहीं हो पा रहे थे, एक्सपायर हो गए वगैरह वगैरह बहुत, और बाकी जो वहां बैठे थे उनके जॉब चले गए, जिनको आना था वो वापस नहीं, यानी इन सबको कुल मिला के इतनी ज्यादा, सबसे ज्यादा मुझे लगता है सऊदी में इफेक्ट पड़ा है, हालांकि कुवैत में भी इफेक्ट पड़ा है लेकिन वहां भी इतने वर्कर नहीं है, सऊदी में ज्यादा वर्कर है दुबई के बाद में, तो सबसे ज्यादा वर्करों ने सऊदी छोड़ा है। जी हाँ, अगर देखा जाए तो 2020 की थर्ड क्वार्टर में सबसे ज्यादा हालांकि नौकरियां मिली मात्र 80,000 लोगों को, यार कहाँ 80,000, कोई ज्यादा नौकरी नहीं है क्योंकि लाखों की संख्या पड़ी है। अरब में साथियों कम से कम बता दूं 13.6 मिलियन वर्कर थे जो घटकर मात्र 3.4 मिलियन वर्कर रह गए, आप सोचिए आप कितने घट गए, पूरे के पूरे घट गए, वे कितने हैं 30% लगभग, ये मान लो आप 30% बचे हैं, बाकी पूरे के पूरे घट गए, 70% वर्कर कम हो गए। बाकी उम्मीद जताई जा रही है भाई अप्रैल से सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेन रीजन वैक्सीन पे डिपेंड करेगा, हालांकि इंडिया में भी कोरोना मतलब कोशिश है खत्म हो जाए अप्रैल मार्च तक, अभी जनवरी एंड हो गया, फरवरी चल रहा है, मार्च चल रहा है, उम्मीद है खत्म हो जाए, और बाकी कोरोना जो वैक्सीन है उसके आधार पर डिपेंड करेगा, सब कुछ ठीक ठाक स्टार्ट हो जाए ऊपर वाला चाहे तो। बस ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।